चंद्रपुर महानगर पालिका के आजाद गार्डन में चल रहा गैर कानूनी ढंग से स्केटिंग और कराटे क्लासेस, जमकर वसूले जा रहे पैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले आजाद गार्डन को बनाया गया कमर्शियल गार्डन, मनपा के अधिकारी खामोश, तो आजाद गार्डन में कमर्शियल चल रहे कराटे क्लास के इंस्ट्रक्टर ने खोली परमिशन मिलने के पीछे की पोल पट्टी, किया गया आजाद गार्डन में स्टिंग, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। क्लास साठी जावं लागतं, तेवढं आम्ही दिलं आहे सर्व, जेव्हा बगीचा बनत होता ना सर्व फॉर्मॅलिटी त्यांनी करून घेतली। नमस्कार दोस्तों, चंद्रपुर शहर के बीचों बीच मौलाना अबुल कलाम आजाद गार्डन की नींव काफी वर्ष पूर्व रखी गई थी। इस दौरान नगर पालिका से प्रमोशन होकर यहां महानगर पालिका अस्तित्व में आई। कई महापौर आए और चले गए, सत्ता की चाबी जिसके हाथ में थी उसने आजाद गार्डन को उसी तरह संजोया, काफी जमकर इसमें लागत लगाई। लागत के साथ कई बार तो यहां आजाद गार्डन की बर्बादी की तस्वीर भी देखने को मिली। हाल फिलहाल में हुए चंद्रपुर आजाद गार्डन के नवीनीकरण में करोड़ों की लागत का खर्चा महानगर पालिका ने लगाया, जिसके साथ ही सत्ता और विपक्ष के बीच हुए उद्घाटन में काफी मेलो ड्रामा देखने को मिला। दो विधायकों के बीच तीखी आलोचना के बीच महानगर पालिका ने जारी किए निमंत्रण पत्रिका पर भी काफी गहमागहमी हुई, बावजूद उसके आखिरकार आजाद गार्डन का उद्घाटन हो गया। जनता की सेवा में आजाद गार्डन फ्री ऑफ कास्ट शुरू हो गया, किंतु फ्री ऑफ कास्ट वाले इस आजाद गार्डन पर कुछ निजी कमर्शियल क्लासेस चलाने वाले गुटों ने अपना कब्जा कर रखा है, जो मोटी फीस के साथ बच्चों को कराटे और स्केटिंग मनपा के फ्री वाली जगह पर सिखा रहे हैं। जिसका स्टिंग ऑपरेशन किया गया तो खुली मनपा की पोल पट्टी। क्लास साठी जावं लागतं, तेवढं आम्ही दिलं आहे सर्व, जेव्हा बगीचा बनत होता ना सर्व फॉर्मॅलिटी त्यांनी करून घेतली महानगरपालिकांनी, त्याच्यामुळे आम्हाला ते परमिशन आहे स्केटिंग साठी आणि कराटे क्लास। आपल्याला मॉर्निंग में नहीं है ना, अभी 6:30 to 7:30 मॉर्निंग में 6:30 to 7:30 त्या ॲडमिशन लिस्ट मध्ये नाव नाही का तुमचं? नाही। इसके कुछ ऋषि, जैसे कि अभी आपने देखा और सुना होगा कि कराटे क्लासेस ज्वाइन करने के लिए यहाँ आजाद गार्डन के प्रीमाइसेस में आपको चार्जेस अदा करने पड़ते हैं, वो मंथली पेमेंट जो सीधा क्लासेस चलाने वाले कमर्शियल व्यापारियों के खीसे में जाता है, जिसका एक नया पैसा तक महानगर पालिका के तिजोरी में जमा नहीं होता। बावजूद इसके यहाँ धड़ल्ले से स्केटिंग और कराटे क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट वाले आजाद गार्डन में मंथली फीस पर लिए जा रहे हैं, जिस पर कराटे क्लास चलाने वाले इंस्ट्रक्टर ने बताया कि गार्डन बनते समय ही मनपा के किसी शख्स को एंट्री दी गई थी, जिसकी बदौलत उन्हें यहां क्लासेस लेने की अनुमति मिली है। अब सोचने वाली बात है कि मनपा का वो शख्स कौन है जिसने यहां निजी क्लासेस चलाने को फ्री में अनुमति देकर उन कमर्शियल क्लासेस चलाने वालों को कमाने का जरिया दिया है। चुनावी सरगर्मी के बीच आजाद गार्डन का मुद्दा काफ़ी सुर्खियाँ बटोर सकता है। कुछ भी हो, लेकिन चुनाव के दौरान हुए इस स्टिंग ऑपरेशन से आजाद गार्डन में चल रहे निजी और कमर्शियल क्लासेस की पोल पट्टी पूरी तरह से खुल चुकी है। क्लास साठी जावं लागतं, तेवढं आम्ही दिलं आहे सर्व, जेव्हा बगीचा बनत होता ना सर्व फॉर्मॅलिटी त्यांनी करून घेतली महानगरपालिकांनी, त्याच्यामुळे आम्हाला ते परमिशन स्केटिंग साठी आणि आपल्याला मॉर्निंग में नहीं है ना, अभी 6:30 to 7:30 मॉर्निंग में 6:30 to 7:30 ऍडमिशन लिस्ट मध्ये नाव नाही का तुमचं? नाही। इसके कुछ ऋषि टीम VL 24 न्यूज़।